फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर मेकिंग गुलकंद फरियाली ड्राई फ्रूट केक, जिसके लिए हमें चाहिएगा 100 ग्राम सिंघाड़े का आटा, 40 ग्राम आपका जाएगा उसमें राजगिरे का आटा, 60 ग्राम जाएगा उसमें सामक का या बघार का आटा, 25 ग्राम जाएगा जिसमें आलमंड फ्लोर, 60 ग्राम मिल्क पाउडर, 200 ग्राम मिल्क, 140 ग्राम्स आपका कर्ड जाएगा, 120 ग्राम आपका पाउडर शुगर जाएगा, 30 ग्राम आपका गुलकंद जाएगा एंड 30 ग्राम आपका कंडेंस मिल्क जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना बनाना। सबसे पहले जो हमारे ये अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, हम इनको एक बार चर्न कर लेंगे मिक्सी में। जो है हमारा 25 ग्राम आलमंड फ्लावर, 8 ग्राम हमारा गया है मिल्क पाउडर, जो क्रीमीनेस देगा हमारे केक को एक बहुत अच्छा सा, 120 ग्राम हमारा गया है पाउडर शुगर, जो हमने नॉर्मल शुगर को पाउडर कर लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून हमारा बेकिंग पाउडर। हमेशा हमें ऐसे ऊपर तक नहीं करना है इसे, हमेशा इसको एक लेवल करके फिर डालना है। 1/2 टीस्पून हमारा गया बेकिंग पाउडर। अगर आप इसे कमर्शियल लेके जाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपका पोटेशियम सॉर्बेट डलेगा 1/2 टीस्पून, अगर आपको इसको कमर्शलाइज करना है तो, अदरवाइज अगर आपको घर के लिए बनाना है तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आएगा जैंथम गम, जो है 1/4 टीस्पून। जैंथम गम का वर्क ये होता है कि वो ये आटा ग्लूटेन फ्री है हमारा, तो उसको बाइंडिंग का काम करता है। इसको हम अच्छा सा चर्न करने जा रहे हैं। चर्न करके मैं आपको अब लेंगे हम अपने सारे वेट इंग्रेडिएंट, जो है कि कर्ड है हमारा 140 ग्राम्स, 30 ग्राम कंडेंस मिल्क गया हमारे इसमें, 125 ग्राम हमारा ऑयल गया इसमें। ऑयल मैं यहाँ कैनोला ले रही हूँ, कोई भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। पर बाद हमारा गया इसमें 200 ग्राम दूध है, मैंने थोड़ा सा बचाया ताकि हम बाद में इनो को जब हम डालेंगे तब यूज़ होगा वो। अब इसको एक अच्छा सा विस्क देंगे हम, इसमें हम डाल देंगे पिंक कलर थोड़ा सा, अ लिटल बिट, क्योंकि हमारा गुलकंद है। पिंक कलर ड्रॉप, ये मैंने मैजिक का यूज़ किया है, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा रोज असेंस, 1/2 टीस्पून आप रोज असेंस डाल सकते हैं एंड ये 30 ग्राम गुलकंद। 100 ग्राम इसमें गया हमारा सिंघाड़े का आटा, 40 ग्राम राजगिरे का आटा, 60 ग्राम हमारा गया इसमें बघार का आटा एंड इसमें हमारा 30 ग्राम गया है आरारोट पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने अभी मिक्सी में पीसे थे, उनको आपको छान के लेना है। मैंने अपना ओडीजी 180 डिग्री पे प्रीहीट होना रखा है, बोथ रोड ऑन। अब इसको आराम आराम से मिक्स करेंगे। यहाँ में लो स्पीड में मिक्स करना है ताकि वो ओवरबीट ना हो। ये नंबर 1 पे ही मिक्स कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना इनो पाउडर। इनो का एक पैकेट पूरा जाएगा। इनो डालने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको फटाफट काम करना है, क्योंकि इनो एक बार जब अपना एक्टिवेट होना शुरू होता है तो हम उसको ज्यादा दिन नहीं रख सकते। इसको एक अच्छा सा मिक्स करेंगे हम। इसको हम एक नंबर की स्पीड पे दोबारा से बीट कर लेंगे फटाफट। इस टाइम में आपको ध्यान रखना है कि आपके सब इंग्रेडिएंट्स रेडी हो, आपका ओटीजी प्री हीटेड हो, आपका जिसमें भी आपको ये मोल्ड में डालना है वो ग्रीस्ड हो प्रॉपरली।
अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/3 कप चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स, वो आपकी मर्जी है, आप कोई भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ काजू यूज़ कर रही हूँ, आप बादाम पिस्ता मिक्स करके भी डाल सकते हैं। जहाँ पर वो तैयार है मोल्ड, इसके अंदर मैं डालूंगी। ये आप 7 to 8 इंच के मोल्ड में ही डालिएगा। अब ये जा रहा है बेक होने, 1 मिनट हम इसे रखेंगे टोस्ट मोड पे, जिसमें होता है हमारे बोथ कॉइल्स ऑन। उसके बाद हम 30 to 35 मिनट्स इसको रखेंगे ओनली लोअर मोड ऑन, जो होता है कि हमारा बेक मोड। अगर आपका कन्वेक्शन मोड पे करना है, माइक्रोवेव में करना है, तो आपका 180 डिग्री 10 मिनट्स प्री हीट एंड देन 40 to 45 मिनट्स इसको बेक होने में लगेगा। अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पे हम बनाएंगे 40 to 45 मिनट्स। अब आपको केक बेक होने के बाद मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारे फरियाली केक का, गुलकंद वाले फरियाली केक का आउटकम आ गया है। अब इसका मैं आपको कट करके वीडियो में दिखाती हूँ। इसका आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये, कितना स्पॉन्जी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी अच्छी जाली आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।